कसौली गोलीकांड के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, ये आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कसौली में अवैध होटल को हथौड़ा चलाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर टीसीपी विभाग अवैध निर्माणों को बचाने में लगा हुआ था, जो मौके पर अवैध निर्माणों को तोड़ने की प्रक्रिया में जो अधिकारी लगे हुए थे उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि जब महिला अधिकारी मौके पर कार्रवाई कर रही थी तो हत्यारा विजय उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ दिखा रहा था। हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि वो व्हाट्सएप मैसेज था जो टीसीपी डायरेक्टर ऑफिस से जारी किया गया था, जिसमें अवैध होटलों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। यही मैसेज महिला अधिकारी शैला बैला और हत्यारे विजय के बीच विवाद की जड़ बना और उनके बीच में इतना तनाव हुआ कि विजय ने अपनी पिस्तौल निकालकर इस हत्या को अंजाम दिया। आपके कसौली में अभी हाल ही में जो असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर है उनका मर्डर हुआ है, आप देख सकते हैं उस दिन सुबह शांतिपूर्ण रूप से कंस्ट्रक्शन जो है डिमोलिशन शुरू हो गई थी, अचानक 1:30-2 बजे जब लंच करके असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर आती है और जो एक्यूज है उनके बीच में आपस में तूतू मेमे हो जाती है, बहस हो जाती है और वो एक चिट्ठी का उल्लेख करते हैं और वो चिट्ठी, मैं कह सकता हूँ कि वो चिट्ठी भेजने का औचित्य क्या है, उस चिट्ठी में लिखा है कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है लोगों ने उनके केसेस को दोबारा से स्टडी किया जाए, रिव्यू किया जाए और अकॉर्डिंग टू द रिपर उनको स्टडी करके उसको किया जाए, और वो डिमोलिशन को डिमांड कर रहे थे कि डिमोलिशन को रोक दिया जाए, मगर जब वो असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर ने मना किया तो वो हीटेड एक्सचेंजेस हुई आपस में और उन्हें गोली चला दी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हत्याकांड हुआ है इसके लिए भी जो है वो सरकार और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी जिम्मेवार है। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस इंक्वायरी में इस बिंदु पे भी जो है वो इंक्वायरी की जाए। संगीन आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हर्षवर्धन चौहान ने टीसीपी निदेशक कार्यालय पर लगाए हैं। अगर ये वास्तव में सच है तो ये हकीकत में एक गंभीर बात है, क्योंकि जहां एक ओर अधिकारियों को अवैध निर्माणों को तोड़ने में लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारी अवैध निर्माणों को बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। यही एक विवाद का भी विषय बना है। अगर वास्तव में कांग्रेस के आरोपों के अनुसार ये घटना घटी है तो अवश्य ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।